नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। इसके साथ साथ 57 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन आज दोपहर को प्रधानमंत्री ने बड़ी चौंकाने वाली बात की। उन्होंने अपने मंत्रियों को विभाग सौंप दिए, लेकिन विभागों में सबसे चौंकाने वाला नाम अमित शाह का था, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण रहा कि अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि 5 साल तक गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है और निर्मला सीतारमण को, जो पहले रक्षा मंत्री थी, उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ नौकर शाह से मंत्री बनाए गए एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम का चुनाव कर लिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। खैर, इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अन्य हैं, वो भी राजनाथ सिंह व निर्मल सीतारमण व एस विजयशंकर को मुख्य रूप से दी गई है, तथा ये सभी मंत्री नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय के नज़दीक बैठेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्रियों को किस किस प्रकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वो हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फेरबदल इन मंत्री पदों में किया है, जो आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है। तब तक के लिए आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।